15 साल की उम्र में बन गया नक्सल, फिर पुलिस ने 1,00,000 का इनामी नक्सल घोषित किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का नक्सली कमांडर वामन बेको, जो नारायणपुर जिले के ओरछा में जन मिलिशिया कमांडर के ओहदे पर काम कर रहा था, उस पर 1,00,000 रुपये का इनाम पुलिस द्वारा घोषित किया गया था। नक्सली कमांडर वामन बेको ने मंगलवार को दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के सामने हथियार डाल आत्मसमर्पण किया और समाज की मुख्यधारा में जुड़कर एक आम नागरिक की तरह जिंदगी जीने की इच्छा जताई। 26 वर्षीय वामन ने बताया कि वह नक्सल संगठन में साल 2005 में 15 साल की उम्र में बाल संघम सदस्य के रूप में भर्ती हुआ था। इस दौरान वह नए युवाओं को संगठन में जोड़ने और बाहर से आने वाले बड़े नक्सलियों के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था करने के लिए काम करता था। नक्सल संगठन में भेदभाव और खोखली विचारधारा की वजह से संगठन से उसका मोह भंग हो गया और उसने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि वामन बेको को आत्मसमर्पित नक्सली शासन की पुनर्वास नीति के तरह सभी तरह का सहयोग दिया जाएगा भी, ताकि समाज की मुख्यधारा में जुड़कर एक आम नागरिक की तरह जिंदगी जी सके। क्योंकि ओरछा थाना क्षेत्र नारायणपुर का रहने वाला है, मिलिशिया कमांडर है, 1,00,000 का इनामी है छत्तीसगढ़ शासन की जुगाड़ पॉलिसी से। लगातार जो पुलिस के अंदर जो संपर्क बढ़ रहा है, उसी का नतीजा है कि ये सरेंडर हुआ है। आने वाले समय में उसे काफ़ी जानकारी मिली, जिससे कि सफल ऑपरेशन चलाए जाए,